अब चलिए इसे चेक करते हैं। तो डीसी 12 वोल्ट हमने यहाँ पर लगा दिया, उसके बाद अब मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर रखते हैं। ये है डीसी वोल्टेज यहाँ पे 12.57, ठीक है। अब इसको हम मेंस देंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर देखें इस समय रिले ऑन है और ये रिले ऑफ हो गया। अब रिले ऑन है तो जैसे हम मेंस लगाएंगे तो ये रिले बंद होना चाहिए, ठीक है। मेन लगा देते हैं मेंस। यहाँ पे देखिए कोई भी रिले फंक्शन नहीं किया, अब दिखाते हैं इसे एसी के रेंज में रखते हैं। और यहाँ पे ये होगा न्यूट्रल और ये हो गया फेज 172 वोल्ट, ठीक। अब ऑप्टो कपलर पे चेक करते हैं डीसी के रेंज पे, तो ये पिन नंबर 1 पे ये प्रॉब लगाएंगे और डायरेक्ट यहाँ दूसरे वाले पे यहाँ पे लगाएंगे, 154 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंगल वाले पे यहाँ पे 154। अब देखिए इसे कैसे क्लियर करते हैं, यानी डीसी 154 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ पर देखें जैसे ये है यहाँ न्यूट्रल, तो न्यूट्रल की लाइन यहाँ पे आई 100 के रेजिस्टेंस पे यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो है सेकंड यहाँ से जो है ये फीडबैक फ्यूज जुड़ा हुआ है और ये लाइन इनपुट लाइन ये सीधे यहाँ पे आया इस जगह पे, ठीक है, जहाँ पे हमने वोल्टेज को चेक कराया। अब इसके बाद जो प्लस माइनस बनता है तो माइनस यहाँ पे बनेगा, प्लस यहाँ पे बनेगा, यानी इस रेजिस्टेंस से प्लस बनेगा, यहाँ से प्लस बनेगा और यहाँ जो लास्ट में है इस जगह पे यहाँ पे, यहाँ पे ये जो है माइनस वोल्टेज यहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ऐसे होते हैं यहाँ पे, तब ये सीरीज में ये हो गया जो ऑप्टो कपलर सीरीज में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 वोल्ट मिलने चाहिए जो कि 154 वोल्ट मिल रहा है डीसी, तो इसका मतलब ऑप्टो कपलर ओपन है। इसे हम चेंज करते हैं फिर देखते हैं आगे। इसमें कोई एक भी फॉल्ट हो सकता है या दोनों भी फॉल्ट हो सकता है, देखते हैं पहले इसे चेंज करके।
इसे डिसोल्डिंग वायर से भी क्लियर कर सकते हैं इसके होल को। ये जो निशान है इधर रहेगा, ये पॉइंट जो बना हुआ है, ये अगर निशान ना भी रहे इधर, जिसे मार्किंग नहीं किया गया है, तो पिन नंबर एक का डायरेक्शन ऐसे भी देख सकते हैं, जिसे इधर से 4N35 दिखे सीधा, ऐसे कंडीशन में तो भी ये हमारा बाएं साइड से पिन नंबर एक होगा। अब यहाँ से भी जो है इसकी प्रिंट ब्रेक है, लेकिन अभी क्या होगा कि इस ऑप्टो कपलर का जो आईसी का पिन है ये कवर करेगा। अभी इस साइड से देखेंगे तो ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, फिर यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इधर 4, 5, 6, ठीक है। अभी साइड में ये 5 5 वोल्ट यहाँ कामन हो जाएगा दोनों पिन पे, यानी ये 5वें पिन नंबर पे, ठीक। और सबके 6ठवें पिन से जो है आउट होगा इसका, इसका यहाँ से। अब चलिए इसे चेक करते हैं।
ओके, फिर इसको लगाते हैं मेंस। ठीक है, मेंस लगाते ही रिले ऑफ होना चाहिए। देखिए ऑफ हो गया, फिर से ध्यान से सुने, फिर से लगाते हैं ये। ठीक, ऐसे भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि रिले देखिए। ठीक, अब वोल्टेज जो 154 वोल्ट मिल रहा था यहाँ पर देखें, ऐसे डीसी वाले रेंज पे ये हो गया। तो पिन नंबर एक ये है और सीधे यहाँ पे जैसे उस समय लगाए थे, ये 2 वोल्ट यानी 1-1 वोल्ट एक एक पे जा रहा है। देखिए 1 वोल्ट ये, अब ऐसे अगर यहाँ पर देखना हो अलग अलग से तो ये भी 1 वोल्ट। ठीक, अब नेक्स्ट पे अगर देखेंगे यहाँ पे जो 5वां नंबर पिन है, 5 नंबर, यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेंगे। ठीक, दोनों के कॉमन है। इधर से दिखा देते हैं, ये देखिए इस साइड में। ठीक, ये 6वां नंबर पिन है 2.3 और यहाँ पर देखें 1.2। मेन हटा लेते हैं, अब ये ओके हो गया पीसीबी। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 ऑप्टोकपलर फॉल्ट मिला। ठीक है, और इसको हमने इस तरीके से, हम ये डिज़ाइन कई तरीके का बनाए हुए हैं लेकिन अगर ऊपर से चेक करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए जैसे इतना बर्न हो गया, इतना एरिया किसी चिप के लिए या किसी के रीजन से, तो ऊपर से हम इसके ट्रेस आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे ये 100K है तो ये भी 100K रेजिस्टेंस है, इधर 100K रेजिस्टेंस, इधर 100K रेजिस्टेंस। इसके नीचे 2 लगा हुआ है डायोड, तो इसके नीचे 2 डायोड लगा हुआ है, इधर 4 डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, किसी किसी में यहाँ पे डबल लगते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे इस पीसीबी में तो देखिए यहाँ पे डबल डबल लगाए गए हैं यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम ट्रेस करते हैं जिससे ट्रैक जो है क्लियर, अगर नहीं भी दिखे तो भी इस तरीके से हम इसकी जॉइंटिंग करके, जम्पर करके इसे चला सकते हैं। अगर ना भी हो तो इस सारे डायोड को अलग और इसको बिना किसी